रामपुर पुलिस इन दिनों एसपी शगुन गौतम के नेतृत्व में कई सारे अपराधियों और बदमाशों के अवैध धंधों का भंडाफोड़ कर रही है। इसी क्रम में अब पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है और इस सफलता की वजह से ही आज रामपुर की पुलिस ने जिले के अलग अलग जगहों पर मासूमों की हत्या होने की वारदातों पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। 30 जून 2021 को एसपी शगुन गौतम के जिले में अवैध शस्त्रों, उनके निर्माण समेत शराब की बिक्री पर रोकथाम के साथ ही अपराधियों पर कार्रवाई करने का पालन करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। ये सफलता थी जिले में अवैध तरीके से शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने की। जी हाँ, आपने सही सुना, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 घंटे के अंदर ही अभियान चलाकर केसरपुर रोड पर वृहत ग्राम अजयपुर के जंगल में यूकेलिप्टस के बाग में बनी कोठरी के पास संचालित अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर ये बता दिया कि जिले में इस वक्त अपराधियों की खैर नहीं है। आपकी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें उन्हीं बदमाशों की है जो इस फैक्ट्री का संचालन करते थे। इनके नाम निजामुद्दीन उर्फ निजाम और अकरम अली है। दोनों ही बदमाश अलग अलग जगहों से इस जगह पर आए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों में से निजामुद्दीन उर्फ निजाम पर पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत थाना बाजपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड में कार्रवाई हो चुकी है। मतलब साफ है कि आरोपी पहले से ही शस्त्रों का व्यापार करता था। ये खबर हमारे संवाददाता शाहबाज खान ने कवर की है, वो मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एडिशनल एसपी डॉक्टर संसार सिंह से पूरे मामले की जानकारी ली। जनपद रामपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों के निर्माण, अवैध शराब के निर्माण के विरुद्ध जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इसी के तहत जो थानागंज पुलिस द्वारा अजयपुर के जंगल में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम हैं अकरम अली निवासी थाना कटघर मुरादाबाद और निजामुद्दीन उर्फ निजाम निवासी थाना गंज। इनके कब्जे से 8 तमंचे, 1 अधवना तमंचा, 1 बंदूक, 18 कारतूस जिंदा, 5 कोका कारतूस तथा शस्त्र बनाने के उपकरण हैं पूरी फैक्ट्री के, वो बरामद। इसके संबंध में थाना गंज पर सशंक धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनके अपराधी की इतिहास की जानकारी की जा रही है कि उन्होंने शस्त्र कहाँ कहाँ पहले बेचे हैं, उसकी जानकारी की जा रही है। इसका पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। एडिशनल एसपी का साफ कहना था कि टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ही शातिर बदमाशों के कब्जे से कई सारी चीजें बरामद की हैं। गौरतलब है कि इन बदमाशों को पकड़ने के लिए प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार, उप निरीक्षक शरद पवार, उप निरीक्षक रामकिशोर गौतम, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह समेत कांस्टेबल अरुण कुमार के नाम शामिल है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।